गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मैथ के चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए देखते हैं। इन अर्थमेटिक वी डील्स विद स्पेसिफिक नंबर्स एंड यूज सिंबल्स 0, 1, 2 अप टू 9 टू रिप्रेजेंट देम। अर्थमेटिक यानी मैथ में हम लोग जो डील्स करते हैं, मैथ बनाते हैं, हम लोग यूज करते हैं सिंबल का 0 से लेकर 9 तक। वी यूज द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। हमारे 4 मुख्य ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 होते हैं। ऑन द स्पेसिफिक नंबर एंड ऑप्टेन नंबर एक्सप्रेशन। और इस तरह से हम लोग नंबर एक्सप्रेशन नंबर बनाते हैं मैथ को। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर वी ऑप्टेन ए जनरल रिजल्ट कॉल्ड ए फार्मूला। हम लोग एक रिजल्ट बनाते हैं जिसे फार्मूला कहते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को देखो। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज गिवन बाय पेरीमीटर। यानी पेरीमीटर का, जब किसी भी हम लोग स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर बराबर होता है 4 × साइड। इफ़ यू रिप्रेजेंट द पेरीमीटर बाय लेटर पी, अगर हम लोग पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट करें और लेंथ साइड को जो है हम लोग एस से रिप्रेजेंट करें, तो हम लोग लिख सकते हैं पी इक्वल टू 4 × s। तो पी क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, एस हो जाएगा साइड। दिस रूल इज ट्रू फॉर ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो है सारे सिस्टम और यूनिट के लिए, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यू, सारे पॉसिबल वैल्यू का, ऑफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। और किसी भी, अगर लेंथ उसका साइड का कुछ भी हो, उसके लिए क्या है, ये पॉसिबल है। अगर हम लोग s बराबर 2 लेते हैं तो p बराबर 4 × 2 यानी 8 हो जाएगा। s बराबर 3 लेंगे तो p बराबर 4 × 3, कुछ भी लेंगे, 10 लेंगे तो 4 × 10 बराबर 40। इस तरह से क्लियरली p एंड s आर रिप्रेजेंट नंबर। ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, p पेरीमीटर को, s साइड को। दस इस प्रकार द जनरलाइज रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक आर नोन एज फार्मूला। इस प्रकार जो बनता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग फार्मूला कहते हैं। इन फार्मूला वी यूज लेटर टू रिप्रेजेंट नंबर। फार्मूला में हम लोग लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर का यूज करते हैं। सच लेटर्स नंबर आर नोन एज लिटरल नंबर्स। इस यही जो नंबर है, यानी यही जो लेटर है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करें, जैसे एस बराबर ले लिए 2, 3, 4, एस जो हुआ, पी जो हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं लिटरल्स। अलजेब्रा इज जनरलाइज्ड अरिथमेटिक इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंट बाय लेटर्स नोन एज लिटरल नंबर और सिंपली लिटरल्स। अलजेब्रा में अलजेब्रा क्या है, जनरलाइज्ड अरिथमेटिक है इन विच, जिसमें नंबर आर रिप्रेजेंट, नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर में, जिसे लिटरल नंबर कहते हैं या सिंपली लिटरल कहते हैं। सच लिटरल्स आर ऑल्सो नंबर्स, ये लिटरल भी नंबर होते हैं। दे ओबे ऑल द रूल्स ऑफ, ये सारे रूल फॉलो करते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। ऑपरेशन ऑन लिटरल नंबर्स आर एडिशन, द सम ऑफ लिटरल एक्स एंड ए 5। तो क्या हो जाए, एक्स प्लस फाइव यानी एक्स और 5 का सम क्या हो जाए, x+5। वाई मोर देन एक्स यानी वाई ज़्यादा है किससे, एक्स से। तो x+y फॉर एनी लिटरल ए बी सी, इस तरह से हम लिख सकते हैं ए बी बराबर, अगर जैसे लिखते हैं ए बराबर 3+2 = 2+3, उसी तरह a+b = b+ab होगा, a+0 = 0+a और वो लास्ट में ए बी होगा, और ये भी होगा अगर तीनों को ऐड करते हैं, इस प्रकार से भी होगा। उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन। 5 < a literal x यानी किसी भी नंबर से 5 कम, यानी तो क्या हो जाए, कोई भी नंबर है अगर x है तो x-5, अगर यहाँ x के जगह कोई भी वैल्यू रहता, यानी 0 से लेके 9 या फिर 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर रहता, उसमें 5 माइनस होता। y < x क्या y कम है किससे, x से, तो x-y। सीधा मल्टीप्लीकेशन में देखिए, क्या था 4 × x, तो क्या हो जाएगा x × 4, यानी इसको 4x भी लिख सकते हैं, यानी इसलिए इसको इसी तरह लिखते हैं कि यानी नंबर पहले आता है और लिटरल नंबर बाद में आते हैं। दिस प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, x और y का प्रोडक्ट x × y भी लिख सकते हैं, xy भी लिख सकते हैं और x.y भी लिख सकते हैं। फॉर एनी लिटरल, किसी लिटरल ए बी सी के लिए, एक दिन किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर लिटरल नंबर को करें या लिटरल नंबर को, वही 0 ही आ जाता है, 1 से करते हैं तो 1 ही आता है। ये भी डिवीजन में x/y तो x/y, x/7 तो x/7, 30/x तो 30/x, इस तरीके से। फिर देखिए पावर ऑफ ए लिटरल, जब कोई भी सेम नंबर
जैसे हम लोग पढ़े हैं स्क्वायर और क्यूब क्या होता है, जब सेम नंबर होता है तो हम लोग क्या करते उस पर पावर लिखा देते थे, जैसे 2 × 2 × 2 रहता तो उस पर क्या करते 2 to the power 3 कर देते। उसी तरह 2 times अगर लेटरल भी लिखा रहेगा उस पर पावर वही होगा, इसको पढ़ेंगे स्क्वायर, 3 रहेगा तो क्यूब, अगर 3 से ज़्यादा तो कॉल्ड x^4, x^5 इस तरीके से, या फिर x^5। लेकिन जब 1 रहता है तो सिर्फ क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। देखिए इसके एग्जांपल दिए, द फॉलोइंग 3 more than a नंबर, 3 ज़्यादा क्या एक नंबर एक्स से, तो क्या हो जाएगा x+3। y less than 6 क्या है, y कम है किससे, 6 से, 6 माइनस 1/3 ऑफ द सम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का जो सम होगा इसका 1/3 यानी 1/3। इस तरीके से इसे करना है, ये आप लोगों का चैप्टर 8A, इसी एक्सरसाइज 8A इसी तरीके से बनेगा, इसे आप लोग बनाइए। बाय, टेक केयर।